गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 70 से अधिक देशों के राजदूतों और राजनयिकों का वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए राजनयिकों और राजदूतों को उपहार के रूप में खादी से बने कपड़े दिए गए, जिससे वोकल फॉर लोकल को भी आगे बढ़ाया गया। यह राजदूत और राजनयिक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मिट्टी के दिए जलते हुए देखेंगे और ऐतिहासिक शहर वाराणसी में गंगा आरती और देव दीपावली भी देखेंगे, जिसके लिए इसकी तैयारियां घाटों पर की जा रही है और दिए रखे जा रहे हैं। वहां मौजूद लोग दियों में तेल और बत्ती लगाते भी देखे जा सकते हैं। इससे पहले वाराणसी ने पहले भारत की अध्यक्षता के दौरान कई G20 बैठकों की मेजबानी की है, जिसमें G20 विकास मंत्रियों की बैठक और G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक भी शामिल है। वाराणसी ने SCO की कई बैठकों की मेजबानी भी की है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता के दौरान वाराणसी को पहले SCO संस्कृतिक शहर के रूप में नामित किया गया था।